टाइम है, ये उनको अपने करियर में, मैंने पहले भी कहा था कि करियर को बहुत पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, कोई भी उनकी गलती या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके करियर में ऑब्स्ट्रक्शन डाल सके, उससे ओए पूरे तरीके से परहेज करना ओए, चाहिए। अच्छा यानी अपने निकाले जाने अपने के चांसेस अपने बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल क्रिएट ना करें, घर में बहुत सुकून से रहें, फादर की हेल्थ ख़राब होने के चांसेस होंगे, इसलिए उन्हें अपनी वाइटलिटी एनर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े और वो आराम से सारी चीज़ों को सेटल करें। लियोज के लिए, जेमिनाई के लिए ये मंथ क्रिटिकल होगा, जब ये क्रॉस करेगा फिर उनको रिलीफ होगा, अच्छा ये मंथ खत्म होते ही रिलीफ होगा, रिलीफ होना शुरू हो श्योर जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात। हाय हाय चलें। अच्छा उसके अलावा वर्गो, वर्गो के लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम है क्योंकि उनकी अब जो एक्सटेंशन अच्छा एक है। सेकंड हम इसे बात कर, कॉलर ले लें पहले, हाँ ठीक हेलो, है जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ जी, मैं उज्मा हूँ लाहौर जी? से उज्मा फरमाइएगा जी। मैंने अपनी जॉब के बारे में पूछना है, डेट ऑफ पूछिए। बर्थ है 18/10/1971, अच्छा 18th तो ऑफ अक्टूबर ये राइट? मैंने पूछना था कि जॉब जो है वो मुझे कब तक मिल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच उज्मा। 18th of October 1971, ये भी लिब्रा। लिब्रा, उसलिए मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि ये इनको लिए, इनके ये जो लिबरेंस हैं इनके लिए स्पेशली जो सितंबर 2009 से टाइम शुरू हुआ हुआ है वो अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, इनमें सारी चेंजेस आ रही हैं, ये पिछले साल शुरू हुआ था तो तब से लेकर इनको अभी तक ये अपने डिसीजन लेने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और स्पेशली 4 महीने जो भी रिसेंटली गुजरे हैं उनमें इनको प्रॉब्लम्स थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये सितंबर क्रॉस अक्टूबर क्रॉस करती है इनको किसी के रेफरेंस से जॉब मिलेगी, होता बंदे के अपने क्रेडेंशियल पर, अपने सही, डॉक्यूमेंट्स पर या अपने अपनी एफर्ट से उनको जॉब मिलने के जान चांसेस पहचान कम से है, मिले, अगर ये किसी के साथ किसी की फेवर लेती हैं फिर सही, इनको चांस मिल तो जाएगा। दैट विल वर्क आउट। चलें होपफुली आपको अच्छी जॉब मिल जाए, हम दुआ करते हैं। अच्छा जी वर्गो के बारे में बात हो रही थी, वर्गो हमने, अच्छा वर्गो नहीं शुरू किया किया था, वर्गो की बात हम कर रहे थे कि वर्गो के लिए जो महीना है ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है हाय गॉड, क्योंकि वर्गो से अगला जो घर है लिब्रा सही, उसमें सैटर्न की एक्सॉल्टेशन है, और जो हाँ सेकंड हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में उसको कहते हैं कि हाउस ऑफ इनकम, अच्छा हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ इनकम जो पैसे उन, से हाँ रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड है, मुआशी मामला से जो हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं सही, उससे है। हाँ मैं समझता हूँ कि ये जो भी अक्टूबर है हाँ इसमें जाकर उनकी जो इंक्रीज़, वो जो अगर सर्विसेज हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस गुड, हैं, सर्विसेज में एलिवेशन होने के चांसेस हैं, और नई डेजिग्नेशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली वो लोग जो 79 80 से लेकर तो 83 84 में तक सही, पैदा हुए हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी सही, बेहतरियाँ आने के चांसेस होंगे। अच्छा ठीक है गुड सही। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ, नौशीन बात करी गुजरावाला क्या से। मैं हाल है नौशीन? ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, काफी अरसे के बाद बात हो रही है। हाँ जी, और आप तो बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। ओ थैंक यू सो मच, खुश हो गई, तुमने तो मेरा दिन बना लिया ये सही, स्टाइल आप इतना सूट कर रहे हैं ना, इतनी माशाल्लाह क्यूट हाय लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच नौशीन। बल्कि मुझे फेसबुक पे भी जो है ना, फेसबुक पर भी हो ना तो मैं ना ठीक जी, आपसे बात होती है, है हाउ स्वीट नौशीन। सही, अब क्या कुछ पूछना चाहोगी? अच्छा जी, मैंने इनसे पूछने, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जून, ठीक है, 9th of June जून, जी, जुलाई, ओके 9 जून 1985, 1985, ठीक है नौशीन, थैंक्स फॉर कॉलिंग डार्लिंग, हाउ स्वीट, सच अ तो उन्होंने स्वीट कॉलर। अपनी डेट नहीं ऑफ बर्थ तो तारीफ किए बताया ना इस वजह नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो उन्होंने बता दी, क्वेश्चन नहीं उन्होंने बताया, क्या नहीं बताया, क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन नहीं बताया। हाय नौशीन आई एम सॉरी, क्वेश्चन नहीं बताया। शादी, शादी मुझे याद है, एक दफा नौशीन ने शादी के बारे में पूछा था, शादी के बारे में देखिए पूछना नाइन, अब होगा उनकी जिस बार से जो इनका मनता है जेमिनाई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जेमिनाई के लिए वो टाइम तो अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर वो 4 1 महीने ठहर जाती हैं तो फिर सही, जाकर उनके जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो जाकर क्लियर हो जाएंगे, और चार उनको महीने के बाद हाँ अभी नहीं, डोमेस्टिक जो भी अफेयर्स वगैरह प्रॉब्लम्स उनके घर हैं में वो सॉल्व हो काफ़ी जाएंगी 4 महीने। इश्यूज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे सारे के अच्छा सारे। ज़्यादा टाइम है वैसे, 4 महीने तक कुछ एहतियात करनी है नहीं कुछ। उस पर कोई एहतियात ना करें, देखें किस्मत जो है वो इंसान के बुलाए से नहीं आती, हाँ सही किस्मत अल्लाह ने, तकदीर अल्लाह ने लिखी है तो सही। अल्लाह की अपनी मर्ज़ी से वो सारे रास्ते खुलते और बनते हैं। अच्छा जो किस्मत है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपस में मिलती जुलती चीज़ है, नहीं किस्मत जो है वो अल्लाह ने लिखी है, सही एस्ट्रोलॉजी उस लैंग्वेज को पढ़ने का एक तरीका है लैंग्वेज, बस। सही, यानी कि वो किस्मत का हाल बता देती है हाँ पर आपको, हम उसको पढ़ देते हैं कि क्या पढ़ लिखा है, देते हैं, सही है, और दुआएं जो है वो किस्मत की तकदीर बदल देती हैं, जो चेंजेस वो आ तो सकते देखो दुआ जो है
वो किस्मत बदले की तो दुआ अपने अल्लाह से ही करनी है जिसने बिल्कुल अल्टीमेटली डेस्टिनी लिखी बिल्कुल है, तो वो हाँ। कभी भी किसी की अच्छा वैसे तकदीर नहीं हो नाउम्मीद नहीं सकती। होना चाहिए ना मौसम साहब, मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे करते हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, आप बल्कि जानते भी हैं उसको, अमीना, तो मतलब मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा मानती है, उसको होता है कि जो कह दिया है ना बस वैसे ही होना है, नहीं देखिए मैं ऐसा बात नहीं होना चाहिए। नहीं 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 मैं बात दो बातें इसमें हाँ हैं। सबसे पहले ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसको लोग बिल्कुल इस तरह लें कि ये एक ट्रू जेन्युइन साइंस है, सही जिस तरह उस पर बहुत सारी किताबें भी आई हैं, जिस तरह सही मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं हम उसमें पढ़ाता हाँ भी हाँ हूँ, हाँ तो ये मैं भी नेपाल से, इंडिया से, हाँ बहुत मुख्तलिफ बिल्कुल जगहों से बिल्कुल सीखकर आया था। सही तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो बंदा कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। नॉलेज तो सही हमेशा एक से ही बिल्कुल है, जैसे कोई सही आदमी इंग्लिश लिटरेचर में MA कर लेता है तो बहुत इंग्लिश सुंदर लिटरेचर एक ही है, बिल्कुल जिसने वो पढ़ा बिल्कुल है उसने कितना ग्रेस्प किसने कितना किया सीखा ना है सीखा है, ये बात बिल्कुल, उस ये पर बात है। होती है एस्ट्रोलॉजर सही की अपनी स्ट्रेंथ होती है, ये नहीं है सही कि इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई नुक्स है। सही बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कि चेंजेस आती रहती हैं, वो चलता रहता है, अगर बुरा वक्त है तो एक हफ्ते तक वो फेज जो है वो खत्म हो जाएगी तो देखें वो ये है कि फिर वो मैंने बताया ना कि जैसा तकदीर लिखी है तो हम उस तकदीर को पढ़ लेते हैं, उसमें हम साथ साथ ये देखते हैं कि किस किस तरह चीज़ें आगे पीछे जा रही हैं। जो ठीक है प्लैनेट्स हैं हम उनको एज ए सिंबल यूज़ करते हैं, लोग ये समझते हैं बिल्कुल कि जैसे ये सारा कुछ जो हो रहा है ये प्लैनेटरी कंडीशन की वजह से सही हो रहा है, सही ऐसा नहीं है। जैसे फ़र्ज़ ठीक करें हम लिखते हैं GOD, गॉड, गॉड राइट ये तीन इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं लिखते हैं गॉड, तो हमें एक हमारे अंदर एक फीलिंग आती है सही कि नहीं हमें रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट ठीक एक तो एहतराम असल में हुआ क्या कि हमने सही वो वर्ड से एक परसेप्शन कर ली, परसेप्शन कर ली ठीक तो है जिस तरह जो प्लेनेटरी कंडीशंस हैं उनसे हम एक परसेप्शन या एक रीडिंग कंसीव कर लेते हैं, फिर हम सही उसको पढ़ देते हैं। ठीक ये सारे है गॉट इट ठीक है। यहाँ पर हमें कॉल कॉल लेते हैं जी। सलामकुम अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपना सलाम ठीक करना है। हेलो कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आफाक अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम आफाक, क्या पूछेंगे? जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th of March है 1988। मार्च एक तो टेंथ मुझे है ये मालूम करना है कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ बट जो नहीं है हो रहा, वो तीन साल से इंटरव्यू नहीं हो में रह रहा। जाता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, पिछले 3 सालों से मसले मसाइल चल रहे हैं? जी बिल्कुल ओए होए दुरुस्त ठीक है। अभी जॉब के आपका असल जो इशू वो यही है कि जॉब का आ रहा है जॉब नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, जॉब का आ देखिए रहा है मेरा, और सेकंडली मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसमें मतलब टेस्ट तो मैं क्लियर कर जाता हूँ, सही मैंने कमीशन के डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम भी का। क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू में जाके जो है वो मैं रह जाता हूँ। अच्छा आफाक आप गौर से सुनिए, मौजम साहब आपको कुछ बताते हैं मैंने आप इस बारे कहा एक में। बात दरवा आफाक गौर से सुनिए कि जो आपके पिछले 3 साल गुजरे हैं उन्होंने आपको काफ़ी मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब किया है, आपकी फैमिली फेस ठीक नहीं है, आपने जहाँ जहाँ बाहर जाने से मुतलक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे उन डॉक्यूमेंट्स क्लियर में है कोई प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ पर भी आपकी निगोशिएशन चलती हैं वो चलकर थ्रू नहीं होती, इनको ये प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी। सही और मैं समझता हूँ कि 2010 का एंड और 2011 का स्टार्ट, हाँ हाँ ये इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली अप्रैल के बाद, टू थाउजेंड सही एलेवन के बाद जाकर इनके डॉक्यूमेंटेशन वाले सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, शुक्र उसमें है प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाएगी। इनको सिर्फ इंशाल्लाह ये करना इंशाल्लाह चाहिए कि एक पीला पुखराज लेकर, ठीक है येलो सफ़ायर उसे कह, पुखराज येलो सफायर टोपाज, राइट येलो टपास सफ़ायर तो खैर काफ़ी महंगा होता है, हाँ येलो टोपाज पाकिस्तान से ही हाँ निकलता है, वो लें, हाँ उसको गोल्ड की फिंगर में, या गोल्ड अगर की फिंगर में नहीं कर सकते तो सही चांदी की फिंगर में हाँ लेकर उस पर गोल्ड का, को कैरेट कितना होना चाहिए? वो 6 कैरेट्स काफ़ी है। सिक्स